पुलिस नश खर कोर्मुत पता क्या मोल वून दोपन यह मे खेस बच पांच रेत नत घर त्रा खाली तो नत यह बहुत नर्दा वरी वो हेर बाप तह तु नर मकान मज यह खेम जहर बस ये अहन आ अली मोहम्मद मीर यह बची मे अमस गई कुनवु वरी खानदर कर कुनवान वरी मन यह तम सम करा सोन जाम तो पत् लोग यह आरती मास्टर पत् गो मोल बीमार निमजा बुन कुन गो डेट सह सुंद बो ये तस हूँ तुम पृथ्वित गो डेट पत् लोग आरती मास्टर दहन वरियन कोर मे अमस बची हंद मूजूब पालान जून खून चोन सोरे के तस हंद इलाज तोस दि मे पत् लोग यह मास्टर ये मास्टर लोग पत् लोग दोपन हे वो बच के और योर इलाज करनस इम जो बच जाय सतन रेतन हंद तुम मूद दुशवा ब्याक वो ब्याक इलाज कोर बायो बस तमो कोर तो यम सा बच शन रेतन हूं गो तो यह मोज सो ये शहर ठीक रोज आज गो आज गो अमस शे रेत गर द्रामत शन रेतन मह दहन दुहन आमुत गर तो सिर्फ उस टारदर करा मे खर कर मे खर कर पत् गो यह कोर्टस मह कोर्न कोर्ट केस अमस बची पे सोर्नस मुलिम बो पत् गो यह चौक मह ओवर कोर्न तत् केस तत् लगन बच जमीन तुत लोगनस कि मे खर कोर्मुत तत् वो एस एच ओ सब दोपन ऐ कर कम्प्रमाइज जनान से क्या कर बाकी ये वन कह निशानी सतव जबरदस्त आज गो मसल ये एस एच ओ सबन न्यू गर रात चुकमिस चालान कोर्मुत पेश यह गो गर लोगन मोल तो मोज तमो कर् सुबह थप कर द्रहित वोजिक हेड खखर दिवा बुन तो सू द्राय मी बची तो सू द्राय नई फिर वोजिक दो फिर खस वापस पम जहर खेमुत अस लोग पाय कह द्रह द्रह मुश्ताक बड़ बोल
मगर तुहन वन सतावा सतावा जबरदस्त जबरदस्त लग भग फादरन पोर्न हेर बाब दश भाई आप किसी के दबाव में मत बोलो। इन्होंने अपना पक्ष रखा, आप सच बताओ क्या मसला है, क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद भाई। आप इस लड़के को जो ये शख्स है उसका भाई? जी जी भाई। मंजूर साहब क्या मसला है, क्या मसला है? मसला है कि उसने शादी की है। ये आपको भी पता है? नहीं, मैंने आज सुना, इसने भी आज सुना है, बच्ची ने भी आज सुना, मैंने भी आज सुना है। सुनता था मैं बाहर, लेकिन क्लियर नहीं था। लेकिन छह महीने हो गए कि सुना है मैंने कि छह महीने पहले उसने शादी की है, लेकिन मैंने आज सुना। आज क्या हुआ? अब इस इसने जहर खाया? इसने जहर खाया। ये गरस वातान ठीक है? ये ठीक वातान गरस वातान तेली अर्धा वरी नत कित पड़ नहीं है। मे आज ब्रो वु वरिश कूर नख वोजम तस आव यूत टारजर कर तस आव यूत बन बनव तो बच तस अगर तस सरी अगर बच तो मगर त्रे बच जस त्रे कबर वस गुम तत्त। चलिए जी, हम इस वक्त जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा में मौजूद हैं। ये एसएच हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा में आए थे और यहाँ पे एक मसला जो पेश है जो हमने आपको सुनाया था, आप देख लीजिए। एक लड़की की खातून कि जिसने जहर कंज्यूम कर लिया था, इसके मुताबिक खानदर कर मैं तुम से दबाव दुम नजरी। देखिए सर, आज मैं आपको एक बात बताऊं। आज मैं यहां खुद बीमार हूं, यहां पे आया था। जब मैंने यहां पे हालात देखे तो मुझे बहुत भरोसा है अपनी पुलिस पे। कुपवारा की पुलिस इज मोस्ट एंड डायनेमिक पुलिस हमारी है। चाहे वो चौकी अफसर की बात करें, बहुत अच्छी कार्रवाई भी करते हैं हर एक मसले में। मैं गुजारिश करता हूं कि ये मेरी माँ जो यहाँ पे रो रही है, मेरी दरखास्त एसपी साहब से है और चौकी अफसर से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब आप वो एसपी हो और वो चौकी अफसर हो, दे गेट ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन। आप इसकी तहकीकात करो, क्या मसला है, क्या दलील है, ये माँ यहाँ पे क्यों रो रही है, यहाँ पे आके मसला क्या है इस मेरी माँ का। मैं गुजारिश करता हूँ एसपी साहब से, एसपी साहब मैं एक बहादुर एसपी साहब है, चौकी अफसर हमारे बहादुर चौकी है, चौकी अफसर है। मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के, मेरी माँ यहाँ पे रो रही है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपके मीडिया के चैनल के नाम से पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप पहले लोगों की कवरेज, या गरीब मजलूम बेबस जब कहीं आके रोता है ना, तब आप ही लोग आते हो। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ देखा, मैं खुद बीमार था, मैं एक पेशेंट हूँ, मैं यहाँ पे खुद आया था, लेकिन मैंने आपको जब देखा मेरा दिल खुश हो गया कि आप मीडिया वाले नहीं बल्कि आप एक रहमतुल इंसान हो, एक गरीब एक बेबस की फोन पे यहाँ पे आ पाए। सबसे पहले उन्होंने मैंने यहाँ पे देखा, उसके बाद आप आए, उसके बाद ये हुआ काम जनाब। लेकिन मैं पुलिस कुपवारा की पुलिस को सलाम करता हूँ जनाब, ये मेरी माँ रो रही है और मेरा बूढ़ा बाप रो रहा है, इसकी तहकीकात करो, मसला क्या है, इशू क्या है, मेरी हाथ जोड़ के गुजारता है पुलिस डिपार्टमेंट को, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, दलील क्या है और मसला क्या है जनाब।
वही साहब आपको मैं एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर के अंदर। हर दिन ये मामला आते हैं, हर मसले में ये मामला आते हैं। और मुझे बहुत अफसोस की बात क्या है, मैं बहुत अफसोस की बात क्या यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। और यार कुरान पाक के अंदर क्या फरमाया है कि एक माँ का क्या रुतबा है, एक बहन का क्या रुतबा है। यही हालात, यही मुश्किल हमारे कश्मीर में और इस सरजमीन पे होते हैं। लेकिन मैं पुलिस को सलाम करता हूँ जनाब, मेरा सलूट है पुलिस डिपार्टमेंट को। आज मेरी गुजारिश है कि इस माँ की प्रॉपर तहकियात करें और इस मेरे बूढ़े बाप की आप देखे दाड़ी वाला बूढ़े बाप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छी एक मुझे यकीन है पुलिस डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह रहमान इनको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलेगा जनाब। नाज़रीन ये कहानी जो हमने आपको इस वक्त लाइव दिखाया था, एसडीएच कुपवारा से दिखाया था कि ये एक फैमिली का दावा है कि उनकी बच्ची की सगाई कहीं मढ़ामा में हुई थी और वो ये फैमिली खुद जुरहामा से है और वहाँ पे इनकी बच्ची जो है उस घर में उसके ससुराल में उसने जहर खा लिया है। आपस में इनको जो है डोमेस्टिक मामला था, घरेलू जो होता रहता है आजकल के घरेलू मामलात होते हैं, तो उसी मामलात को लेके शायद मियां बीवी के बीच में कुछ अच्छे अनबन होती रहती थी, तो उसको लेके जो है उस इनके मुताबिक उन्होंने कहा कि उस पत्नी ने जो उसकी खातून ने जो है वो जहर खा लिया क्योंकि उसको बच्चा नहीं था। इस फैमिली के मुताबिक जो उसके ससुराल वाले कह रहे हैं, उसका पति कह रहा था कि बच्चे इसका बच्चा नहीं है, वो बच्चे को लेके उसको रोज और टॉर्चर किया जाता है, उसको लेके उस खातून ने फिर जहर खा लिया। और कुछ किस्मती की बात यह है कि उसको तुरंत एसडीएच कुपवारा पहुंचा दिया गया और इस वक्त वो खातून जो अंदर अंदर ही है और वहां पे उसको तुरंत फौरी तौर पे जो है ट्रीटमेंट दी गई जिसकी वजह से वो जो है खातून बच पाई। लेकिन अब ये फैमिली डिमांड कर रही कि इसमें जस्टिस होना चाहिए, हमारे बच्ची के साथ में जो भी जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को बदले में इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस बात को लेकर कि यहाँ पर जो है